हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम ग्रुप्शा खान फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। वेलकम टू माय क्लास इंग्लिश, क्लास सेकंड इंग्लिश क्वेश्चन आंसर डे 7 है गाइस। आज हमारा, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश का आज हमारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट है। इसके मार्क्स है हमारे 10 गाइस। इस पेज पेपर को देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपल्सरी पेपर है क्योंकि इसके मार्क्स आपके रिपोर्ट कार्ड में जुड़ेंगे। तो प्लीज इस पेपर को आप जरूर दें। फर्स्ट यूनिट टेस्ट मार्क 10 नंबर का ये पेपर है हमारा इंग्लिश का, क्लास सेकंड, जो कि आपके वीडियो वॉच करोगे मिलेगी आपको डे 7 में। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका, ये पेपर देख सकते हैं आप। फर्स्ट यूनिट टेस्ट मार्क 10 है इसका, इंग्लिश क्लास सेकंड का ही टेस्ट है ये पेपर है। ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट, इसके 10 नंबर हैं। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता देती हूँ, देखिए आप जूम करके देख सकते हैं पेपर को, या फिर स्टॉप वीडियो करके भी आप इसको वॉच कर सकते हैं। ये पेपर आपका यूट्यूब पे भी आएगा, व्हाट्सएप पे भी आएगा, और ये जो डेली आप जो वर्क करते हो, जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हो हमारे स्कूल ऐप, उस पर भी आपको इसकी फोटो मिल जाएगी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ किसमें आपको नोटबुक वर्क करना है। आपको पहले आइकॉन स्कूल के न्यू कैंपस में आना है। आपका टाइमिंग होगा 8:00 to 1:00, और आपको ये नोटबुक देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये नोटबुक आपको आइकॉन स्कूल के न्यू कैंपस में मिल जाएगी। 8 से 1 बजे के टाइम पर आप आ सकते हो। तो गाइज, ये नोटबुक होंगी आपकी 6 इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, कंप्यूटर और ईबीएस का आप एग्जाम लेंगे, और प्लस ये ड्राइंग शीट, ये कैट को आपको फिलअप करना है। तो गाइज, ये नोटबुक आपको आइकॉन स्कूल में आकर के न्यू कैंपस में मिल जाएगी। टाइमिंग है आपका, एक बार और बता दूं, 8:00 to 1:00 आपको आना है। और गाइज, ये पेपर जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, और जो ऐप पे आप पढ़ाई करते हो उस पर भी मिल जाएगा। अब गाइज, लिसन टू मी केयरफुली, देख सकते हैं आप स्टॉप करके इसको। अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको पेपर के बारे में, किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि आप छोटे स्टैंडर्ड में हो तो शायद आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आप फादर, मदर, अंकल, आंटी या फिर कोई आपके सिस्टर वगैरह तो उसकी हेल्प ले सकते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। बट गाइस, दोबारा से आपको बता दूं, जो पेपर सॉल्व होगा वो नोटबुक आपको स्कूल में मिलेगी। तो प्लीज आप पहले नोटबुक यहाँ से ले जाएं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास सेकंड, क्लास सेकंड स्टैंडर्ड का पेपर बता रही हूँ मैं आपको। मार्क्स है इसके 10 मार्क्स का ये पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट वर्ड टू द कंप्लीट द सेंटेंसेज, यानी कि इन सेंटेंसेज पे आपको करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है, फिलअप करना है। तो पहला क्वेश्चन था, मदर एंटर विद ए ब्यूटीफुल पिक्चर स्टोरी बुक। तो इसका ऑप्शन है बिग और स्मॉल, इसमें तो जो ऑप्शन है वो आपको इसमें गाइस फिलअप करना है। दूसरा है, ही टुक ग्रेट केयर ऑफ चिल्ड्रन हिज या स्मॉल, इसमें तो जो भी राइट ऑप्शन है वो भी आपको गाइस फिलअप करना है। अगर इसके आंसर देख सकते हो तो आप इससे पहले वाली वीडियोस को आप वॉच कर सकते हो। इस पूरे लेसन के आपको, इस पूरे पेपर के आंसर आपको मिल जाएंगे डे के अकॉर्डिंग। टेस्ट क्वेश्चन थर्ड है, टेस्टफोर ग्रो टू बी टॉर्च ओनली व्हेन दे लिव इन वाटर, इसमें आएगा अप या ग्रो, इसमें से राइट ऑप्शन आपको फिलअप करना है। क्वेश्चन फोर है हमारा, फादर टॉड ए फिल इन द ब्लैंक दैट द वाटर वाज ड्राइंग अप इन द पॉट, तो उसमें आएगा इसका ऑप्शन है शाय सी, इन दोनों में से वन ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको इसमें फिलअप करना है। क्वेश्चन फाइव है हमारा, द पॉन्ड्स हैड ए लैक इट विसाइड इन साइड, इन दोनों में से राइट ऑप्शन आपको फिलअप करना है। ये हो गया गाइज आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। क्वेश्चन वन है, दिस स्टोरी अबाउट फादर टॉड ए एंड हिज बेबी, इसका जो राइट ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स जो भी स्टेटमेंट है इसका आपको फिलअप करना है इसमें। फादर टॉड ए वाज ए काइंड एंड क्लेवर टॉड। क्वेश्चन थर्ड है, द लैग वाज स्मॉलर एंड हैड मोर वाटर लैग। क्वेश्चन फोर है, फादर टॉड ए जेंटली पुश्ड टू और थ्री टैडपोल्स थ्रूआउट द होल्स, इनके राइट ऑप्शन ये ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स आपको राइट करने। एक बार और बता देती हूँ आपको, अगर आपको इनके आंसर नहीं आ रहे तो आप इससे बैकवर्ड इसकी डे को पीछे जाकर के डे 6 डे 4 में इसकी वीडियोस आप वॉच कर सकते हो, आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे गाइज। क्वेश्चन सीता, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपको डे 6 में मिल जाएगा। मेरे पूरे क्वेश्चन लास्ट क्लास थी है सेकंड वाली। तो पहला क्वेश्चन थे, हाउ डिड फादर टॉड ए मेक ए पाथ फॉर टैडपोल टू गो टू द लैक। तो जो फादर टॉड ए थे उन्होंने रास्ता कैसे बनाया था बच्चों को जाने के लिए। क्वेश्चन टू है, व्हाई वाज द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइंग अप, जो तालाब था उसका पानी सूखना क्यों लग गया था। और क्वेश्चन थर्ड था, व्हाट डू यू वांट टू हियर टुडे हु आस्क्ड टू वार्म, जो आज आप क्या सुनना पसंद करोगे, ये किसने किससे पूछा या फिर कहा।
What did Amit ask for mother? Amit ने अपनी माँ से क्या कहा? Question 5 है. What did Uma happily say to her mother? Uma ने अपनी माँ से हंसते हंसते क्या कहा? खुशी से क्या कहा? और question 6 है, जो कि ऐसे story and application है, वो आपको मिलेंगे guys class जो हमारी class 6 थी, मैंने उस composition की class sorry आपकी जो class है grammar वाली मैंने डाली है, उसके अंदर आप देख सकते हो, आपको मिलेगी वो day 6 में, उसमें आपको इन तीनों questions के answer मिल जाएंगे. जैसे 6 number question है, write an application for 2-day leave. और 7 क्वेश्चन है आपको, यानी कि 2 डेज की लीव के लिए आपको एप्लीकेशन राइट करनी है. 7 क्वेश्चन है, राइट एन ऐसे ऑन दीपावली, दीपावली पे आपको ऐसे राइट करना है. और क्वेश्चन 8 है, राइट ए स्टोरी ऑन फॉक्स एंड क्रो, फॉक्स एंड क्रो पे आपको स्टोरी राइट करनी है. जैसा कि हम अपने आइकॉन स्कूल के जो आइकॉन वर्ल्ड का सिलेबस है, उसमें हम आपको रोज डेली में स्टडी कराते थे, आपको स्पीक कराते, वही आपको राइट करनी है. ओके गाइज, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ये पेपर है आपका. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के, देख सकते हैं आप, मैं रुकी हुई हूँ अभी, तो इसकी बैक जाकर के पिछली वीडियोस में, जैसे 7 नंबर है तो 6, 4, 5, इसमें आपको इसके पूरे पेपर्स के जो मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर राइट किए हैं, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे. ओके गाइज, गुड बाय, ग्रो योर स्टडी ऑनलाइन विद अस.